तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, अगर आप लोग भी कुछ इस प्रकार का विजयदशमी का पोस्टर एडिटिंग अपने मोबाइल फ़ोन से करना चाहते हो तो गाइस बन रही है इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं सबसे आसान तरीके से ऐसा पोस्टर एडिटिंग करने को बताने वाला हूँ। और गाइस, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले उसके लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि पिक्सल लैब है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो पिक्सल लैब को ओपन करते हैं। तो पिक्सल लैब ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको सिंपल से 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन PLP फाइल, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस ऊपर की तरफ आपको 3 ऑप्शन होंगे, तो उसमें से भी आपको PLP वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ उसको डाउनलोड करने के बाद आपके फ़ोन में जहाँ कहीं भी जाता है उसको ढूंढ लेना है। तो मैं पिक्सल लैब में बनाया हूँ, तो चलो पिक्सल लैब ओपन करते हैं। तो पिक्सल लैब ओपन होने के बाद गाइस आपको लिखा हुआ मिल जाएगा विजयदशमी पोस्टर 4 PLP, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस अगर आप लोग डाउनलोड भी करोगे तो यही लिखा हुआ मिलेगा विजयदशमी पोस्टर 4 PLP, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस ओपन एंडेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल से एक बार बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइस देख सकते हो कि हमारा बनाया हुआ पोस्टर कुछ इस प्रकार से ऐड हो चुका है। तो इसमें से आप जो चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे कि ये वाला फ़ोटो हटाकर यहाँ पर अपना एक फ़ोटो लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। और गाइस जैसे कि ये वाला आप सभी देशवासियों को हटाकर आप सभी ग्रामवासियों करना चाहते हो, तो इस पर डबल टाइप करने के बाद गाइस यहाँ से आप लोग लिख सकते हो जो भी लिखना चाहते हो। और गाइस यहाँ पर अपना नाम लिखना चाहते हो तो इस नाम वाले ऑप्शन पर डबल टाइप करने के बाद गाइस यहाँ से आप लोग अपना नाम लिख सकते हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आ गई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।